लंबा समय धरिकी कोरोना संक्रमण कारण डिजिटल प्लाटफर्म कार्यकारिणी होता कि फिजिकली समस्ते बसवा चर्चा आलोचना करवा यह विषय आज आरंभ हो आज जितेबाद गोटे भयंकर संदिक्षण रे ओडिशा प्रदेश चली भ्रष्टाचार भयंकर भाव में बढ़ी कुशासन नमूना कुशासन प्रतिच्छवि प्रति अंचल ग्रामांचल पंचायत को आरंभ करके सहरांचल पर्यंत प्रति जगह कुशासन प्रतिच्छवि पूरापूरी भाव में देखा एभली एक भयंकर संदिक्षण रे आज भारतीय जनता पार्टी राजनैतिक दृष्टिकोण ओडिशा प्रदेश स्वार्थ को आखि आगे रखि कौली भाव में राजनैतिक पट्टचित्र परिवर्तन हम राजनैतिक दृष्टिकोण कौन पदक्षेप से बाबद चर्चा आलोचना रखी आज एवे राज्य सभापति अभिभाषण सरला कतोटी प्रमुख मुद्दा उपरे आज भारतीय जनता पार्टी चर्चा आलोचना कर सबुठ प्रमुख मुद्दा हूँ जेतेबेले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आखि आगे ओडिशार विकास जो कथा पूर्वोदय कथा कही ओडिशार विकास को गोटे प्राथमिकता से ओडिशार विकास बिंदु को आग को नवापाई एक प्रशस्त क्षेत्र प्रस्तुत व्यापक अनुदान दबा आरंभ कर गत 6 वर्ष धरिकी ओडिशार विकास एक प्राथमिकता भारत सरकार ये कथा स्पष्टता विभिन्न प्रकल्प टू आरंभ करिकी बजेट एलोकेशन टू आरंभ करिकी रेलवे एलोकेशन पर्यंत विभिन्न क्षेत्र में एक प्रतिफलित भी होजी आज दिन में मन पड़ी जेतेबेले ओडिशार विकास पाई आवश्यकता थिला अतीतरे लंबा अतीतरे आमे ओडिशा प्रदेश विकास पाई अर्थ एक बाधक थिला ए ओडिशा प्रदेश रे जनजीवन सहित संपृक्त समस्त एक जानते आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समय अर्थर बाधकता ना एटी व्यापक अर्थ बराद करा किंतु ओडिशा सरकार निजे ओडिशा प्रदेश विकास रे बाधक है ठिया होती मुझ दुई तीनो उदाहरण आपण मानक आगे केवल कहवाक चाहिए दृष्टिकोण प्रधानमंत्री आवास योजना नेशनल फ्लैगशिप प्रोग्राम जातीय स्तर रे प्रधानमंत्री घोषणा करथिले जे प्रधानमंत्री आवास योजना रे भारत वर्षर समस्त गरीब लोक जार कच्चा घर अच्छे पक्का घर दिया निश्चित करा जाउ सबु राज्य सरकार निज निज दृष्टि रे तत्परता देखेले आम पड़ोसी राज्य माने आम चारिपटे थिबा जो तीन चार पांचटी राज्य अच्छा से राज्य मानक भी आज तारीख में व्यापक भाव में घर तैयारी चली कोटी सरकार आमर अच्छे कोटी आमर नहीं भी किंतु व्यापक भाव में से घर तैयारी चली गरीब लोकों पर ओडिशा प्रदेश सरकार मुझ जापर सरकार ओडिशा राज्य सरकार इच्छा कौन ओडिशा प्रदेश रे गरीब लोकों घर तैयारी हेले राज्य सरकार कष्ट प्रत्यमान हो 2019 मसीहा ठारु आज की पाखापाखि देढ़ वर्ष रु ऊर्ध समय कौन सी भी ब्लॉक रे ओडिशा प्रदेश कौन सी भी ब्लॉक रे आज वर्क ऑर्डर इश्यू करागलानी प्रधानमंत्री आवास योजना प्रधानमंत्री घोषणा कले 2022 मसीहा मार्च मास सुधा भारत वर्ष रे समस्त पाखे पक्का घर थी समस्त मुंड छात थी आज ओडिशा प्रदेश में देढ़ वर्ष धरिक प्रधानमंत्री आवास योजना काम बंद आपण मन थी जितेबले 2016-17 जो इनक्लूजन लिस्ट जोटा होता प्रधानमंत्री आवास योजना हिताधिकारी मानी से इनक्लूजन लिस्ट को 2019 मसीहा निर्वाचन पर आम अनेक गुड़े प्लस ए देखाला आम गणमाम बंधु मान जरिया ओडिशा प्रदेश को लोकों आगे रखिलु से कथा जे अनेक अयोग्य हिताधिकारी घर पाई अनेक योग्य हिताधिकारी कुड़िया झुंपुड़ी करोर ना से तालिकार ना अनेक गरीब लोक हा हुताश भितर अच्छा दौड़ी दौड़ी की ब्लॉक ऑफिस को पंचायत ऑफिस को हालिया ना से ना एक जितेबाला आम कहलु आम एविडेन्स देलु राज्य सरकार तापर तीन तीन थर सर्वे कर
ତାପରେ ପୁଣି ତଥାପି ଯେତେବେଳେ ସେ କଥା ଉପରେ ଆହୁରି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲା ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆଉଥରେ କହିଲୁ ଯେ ଫ୍ରେସ୍ ଆବେଦନ କରାଯାଉ ପଞ୍ଚାୟତ ମାନଙ୍କରେ ନାଁ ଚିଠା ମରାଯାଉ କେଉଁ କେଉଁ ମାନଙ୍କର ନାଁ ଇନକ୍ଲୁଜନ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ଅଛି। 2020 ମସିହା ଫେବୃଆରୀରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେ କଥାକୁ ପୁଣି ସେଠୁ ଆଉଥରେ ତାଲିକା ଲଗେଇଲେ ନେଇକି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ୍ ମାନଙ୍କରେ ଏବଂ ଘୋଷଣା କଲା ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବିଭାଗ ଯେ ଆଉଥରେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ଆବେଦନ ଅଛି ଆଉଥରେ ସେମାନେ ତାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ତୁରନ୍ତ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 2020 ମାର୍ଚ୍ଚର ସେ କଥାକୁ ଆମେ ଫାଇନାଲାଇଜ୍ କରିବୁ, ଫାଇନାଲ ଲିଷ୍ଟ ବାହାରିବ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ସେ ଲିଷ୍ଟ ପଠାଯିବ। ଆଜି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ଯେଉଁମାନେ ଆବେଦନ ଅଭିଯୋଗ ଯାହା ଦେଇଥିଲେ ତାକୁ ବ୍ଲକ ଅଫିସ୍ ମାନଙ୍କରେ ବିଡ଼ା ବାନ୍ଧିକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଥୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ କୋଉ ଲିଷ୍ଟକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ, ଯୋଉ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଲିଷ୍ଟ ଯାହାକୁ ଆମେ 2019 ମସିହାରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲୁ, ଯୋଉ ଲିଷ୍ଟ 2016-17 ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ସେଇ ଲିଷ୍ଟକୁ ଆଜି ପଠାଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ। ଏଠି ବେଳେବେଳେ ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ମନରେ ଯେ ଏଠି ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଘର ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କର କର୍ମୀ ତାଙ୍କର ସମର୍ଥକ ସେହିମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯୋଜନାକୁ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏଭଳିଆ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ମନରେ। ଆଜି ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ତ ସେ ବାବଦରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ବିଷଦ ଭାବରେ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଆମେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଚେତାବନୀ ବି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରେ ଶେଷ ଗରିବ ଲୋକ ଶେଷ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ମୁଣ୍ଡରେ ପକ୍କା ଘର ନ ହୋଇଛି, ତା ଘର ପକ୍କା ଘର ତାକୁ ନ ମିଳିଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏକ ରାଜନୈତିକ ଲଢ଼େଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚଲେଇବ। ଇଏ ମନମୁଖୀ ଶାସନ, ଇଏ କୁଶାସନ ଚଳିବ ନାହିଁ ଏଠି। ବନ୍ଧୁଗଣ, କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁଦ୍ଦା ମୁଁ କହୁଛି, ବିକାଶରେ କାହିଁକି ବାଧକ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ପାଣି ଛଡ଼େଇକି ସେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସେ କଥାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ପ୍ରବାସରେ ରହୁଥିବା ଶ୍ରମିକମାନେ ଏ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରିଲେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଇକି ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଫେରିଲେ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ, ଏବଂ ସେତେବେଳେ ବି ଆମେ ଦାବି କରିଥିଲୁ, ସରକାର ବି ସେଇ ମତେ ସହମତ ହେଇକି ସେତେବେଳେ କହିଲେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ କେମିତି କାମ ମିଳିବ ସେ କଥା ଆମେ ଦେଖିବୁ। ତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲକ୍ଷେ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ବରାଦ କଲେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଫେରିଛନ୍ତି ସେମାନେ କାମ ପାଆନ୍ତୁ, ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେମାନେ ଅନ୍ତତଃ ରୋଜଗାର କେମିତି ପାଇବେ ସେ କଥାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହଉ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କରୋନା ସମୟ ଭିତରେ ନରେଗା ମାଧ୍ୟମରେ 4,436 କୋଟି ଟଙ୍କା କାମ କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ମୁଁ କହୁନାହିଁ, RTI ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ତଥାପି ଲୋକ ଏଠି କାମ ପାଇଲେନି। RTIରେ ଯେତେବେଳେ ପଚରା ହେଉଛି କେତେ ଶ୍ରମ ଦିବସ ଆପଣ ତିଆରି କଲେ, ସେ କଥାର ଉତ୍ତର ନା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦେଉଛି ନା ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଦେଉଛି। କାହିଁକି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ଶ୍ରମ ଦିବସ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ସେ କଥାର ତାଲିକା ନାହିଁ। ଏବେ ଯଦି ବ୍ୟାକ୍ କାଲକୁଲେସନ୍ କରିବେ ସେ କହିପାରିବେ, ହୁଏତ ଅଙ୍କରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାକ୍ କାଲକୁଲେସନ୍ ଥାଏ, ଏ ବ୍ୟାକ୍ କାଲକୁଲେସନ୍ କଲେ କହିପାରିବେ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି, ତାକୁ ଦିନରେ ହରିଦେଲେ କେତେ ଶ୍ରମ ଦିବସ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ସେ କହିବେ। କାହିଁ, କାରଣ ଯେତିକି କାମ ହେଇଛି ନରେଗାରେ ସବୁ କାମ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଶାସକ ଦଳର ନେତା ସମର୍ଥକ ମାନେ ନେଇକି କାମ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କାମ କରିଛନ୍ତି, ମେସିନ୍ ଲଗେଇ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଶ୍ରମ ଦିବସ ସୃଷ୍ଟି ହେଇନି ସେଠି। ଏବଂ ସବୁଠୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ହେଉଛି, ଆଜି ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ଭାବରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ପାଖାପାଖି 800 କୋଟି ଟଙ୍କା ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ନରେଗା ପଇସାରୁ ଫଲ୍ସ ବିଲ୍ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସେ ଫଲ୍ସ ବିଲ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଇଛି ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବିଭାଗ। ଫଲ୍ସ ବିଲ୍ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନେତା ଧରା ପକାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଧରା ପକାଇଛନ୍ତି ସେଠି ତରବରିଆ ଭାବରେ ସେ କାମକୁ ଆଉଥରେ ଦୁଇଥର ଆଉଥରେ ସେ କାମକୁ କରାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାଖାପାଖି 800 କୋଟି ଟଙ୍କା ହରିଲୁଟ କରିଛନ୍ତି ଫଲ୍ସ ବିଲିଂ କରିକି। ସେଥିରେ ଲାଭ କିଏ ପାଇଛି, ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକ ଶାସକ ଦଳର ନେତାମାନେ ସେଥିରେ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେଇଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଏ ଯୋଡ଼ିଏ ଉଦାହରଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିଲି,
केन्द्र सरकार पैसा दौची केन्द्र सरकार ये योजना प्रणयन करने कौन केन्द्र सरकार कहते समय सीमा भितर क्रियान्वयन कर ओडिशा प्रदेश गरीब लोक सुविधा हो एटी तुम्हें प्रधानमंत्री आवास घर देलनी नरेगारे पैसा आसला से पैसा को तुम्हें इम्प्लीमेंट कल ना जो कि प्रवासी श्रमिक से संक्रमण समय भितर भी घर द्वार छाड़ी पुणी आउ थे निज काम जगह फेर पलिगले ये हूँ राज्य सरकार असल चेहरा बंधुगण आउ गोटे दिग आज आम चर्चा करशार आईन श्रृंखला पिस्थित एटी महिला और शिशु ट्राफिकिंग रे दुर्भाग्यर कथा हूँ गत पांच वर्ष भितर 27,000 महिला और शिशु राज्य में निखोज होकर स्थित कौन अच्छी आज राज्य सरकार जवाब जदि जवाब ना ये बारंबार बारंबार आम एक कहपर भी राज्य सरकार जवाब पत्र उत्तर ना शिशु हत्या हो महिला निर्यातन आम सब आगे महिला हत्या विभिन्न जगह हो महिला मानक सामान्य सुरक्षा देवाई गोटे सरकार आज अक्षम दुर्भाग्यजनक कथा हो राज्य असामाजिकता बढ़ी चलती अतीत कांग्रेस समय आम देखल थाना मानक से अंचल नेता मैंने संभालुले थाना किए अधिकारी किए इंस्पेक्टर किए सब इंस्पेक्टर किए रे नेता कथा शुणब कि ना से अनुजाई से पोस्टिंग होता किसी दिन तले पूर्वतन डीजी प्रकाश मिश्र भी से कथा गणमाध्यम आगे से कथा स्वीकार करते एक कही आज तारीख में थाना मानक कमिटमेंट करके पुलिस अफिसर को पोस्टिंग करा पुलिस को आज असामाजिकता दूर करने व्यवहार कराऊना पुलिस को आज चोरी डकैती नारी निर्यातना सुरक्षा देवाई कराऊना पुलिस को आज विभिन्न जगह महिला शिशु जो अपहरण होती सुरक्षा देवाई कराऊना खोजाप कम लग जाऊना पुलिस आज शासक दल इंगित कौन कम कर कंपिटिशन चली एवं पुलिस को असहाय करके रास्ता अपेक्षा कर सरकार ये हूँ राज्य आईन श्रृंखला पिस्थित से बाबद आज बास्तव में पूरा चर्चा आलोचना हम तृतीय मुद्दा हूँ सीमा बिवाद उपर आज भारतीय जनता पार्टी व्यापक भाव में चर्चा कर कोटिया टू आरंभ करपटे आंध्र सांगे लड़े चलती सेपटे छत्तीसगढ़ सांगे लड़े चलती सेपटे बेंगल सांगे लड़े चलती सेपटे झारखंड सांगे सीमा को लेकर लड़े चलती चारोटी पड़ोसी राज्य आम समस्त सांगे आम सीमा बिवाद अच्छे कोटिया आंदोलन लंबा समय आंदोलन कोटिया सीमा बिवाद लंबा समय सीमा बिवाद सुप्रीम कोर्ट को आम जाते मोर ये गोटे प्रश्न अच्छे बंधुगण कोटिया बिवाद बाबद सुप्रीम कोर्ट पूर्व जो मत दे मत बहुत स्पष्ट था सुप्रीम कोर्ट मान्यवर सुप्रीम कोर्ट कही से इट इज नॉट विदिन आवर जुरिस्डिक्शन एटा आम जुरिस्डिक्शन भितर कथा नुहे यहाँ जोड़िए रास्ता अच्छी गोटे प्रथम हूँ पार्लियामेंट ये कथार समाधान करा जाओ सीमा निर्धारण करा जाओ एवं द्वितीय कथाटी हूँ द्वितीय कथाटी हूँ जे राज्य सरकार आ राज्य सरकार भितर यह बाबद चर्चा आलोचना कर गोटे समाधान रास्ता कर मुझे पचार चाहे ओडिशा प्रदेश मुख्यमंत्री को आज सीमा बिवादर चर्चा जितेबले आकाश में जा छुईला सीमा बिवाद को लेकिन जितेबले आज समस्त मनरे उद्वेलित एक केमी ओडिशा प्रदेश जो अंचल आज अलग प्रदेश मान सहित जड़ित हो मैंने अलग प्रदेश में जाने सुविधा सुजोग नौ से अंचल आमर बोली प्रमाणित कमी करवा ओडिशा प्रदेश मुख्यमंत्री को किए रोकी पड़ोसी राज्य मुख्यमंत्री मान संगे चर्चा करके बाबद समाधान रास्ता काढ़ सबुठ सरल सहज रास्ता हूँ चीफ मिनिस्टर लेवल डिस्कशन हो कि कथार गोटे समाधान सूत्र बाहर सी हूँ सबुठ सरल और सहज रास्ता ये कथा करवाक ओडिशार मुख्यमंत्री को किए रोकी ये बाबद आज आम व्यापक भाव में चर्चा करूँ और आम आशा करुचु ओडिशा प्रदेश स्वार्थ और सम्मान जदि एक प्रतिशत समबेदना थाए ओडिशार मुख्यमंत्री एक प्रतिशत जदि से ओडिशा मुख्यमंत्री कनसर्न थाए ताले ओडिशा मुख्यमंत्री आसंता काली आंध्र प्रदेश हो बेंगल हो छत्तीसगढ़ हो से मुख्यमंत्री मानक संगे चर्चा आलोचना करेंगे बाबद आउ गोटे सबुठ बड़ दुर्भाग्यपूर्ण कथा हूँ जितेबले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं केन्द्र सरकार भारत बर्षर कृषक माने
केमिति ठिकणा ढंगरे निजर रोजगार पाइबे केमिति अधिक रोजगार पाइबे से बाबदरे जतेबेले विभिन्न पदक्षेप नेइचंती सिंचाई योजना टू आरंभ करी बीमा टू आरंभ करी सॉइल हेल्थ कार्ड एवं 50% पाखापाखी 6 वर्ष भितर आपणकर मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ेगा एपरिक मिनिमम जो माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट मानक प्रोक्योरमेंट पाई व्यवस्था करने पर्यंत ये सब कथा को नहीं जितेबले विभिन्न समय से कथा को नहीं कि साधारण भाव में गाँव में रोकवा साधारण लोकटे रोजगार पाओ एक जितेबले गुरुत्व देखते से समय ओडिशा प्रदेश रे तार क्रियान्वयन करने राज्य सरकार को कौटना कौटी असुविधा लगुच ओडिशा प्रदेश चाषी अधिक पैसा पैसा पाईगले हुए तो राज्य सरकार को कष्ट होतीपाय आज धान मंडी मानक अवस्था कहले न सरे जोगाण विभाग टोकन इश्यू कर गोटे गोटे मंडी रे आपण माने समस्ते एक कथा को देखी देखते विभिन्न समय प्रदर्शित कर गणमाध्यम छापी से कथा जोगाण विभाग टोकन इश्यू कर गोटे मंडी को जीव 2200-2300 क्विंटाल टोकन जीव किंतु जितेबले जिला कर्तृपक्ष कलेक्टर एवं सीएसओ से जितेबले मंडी रो टारगेट देवे से देवे 500-600 क्विंटाल बाकी जो 1100-1200 क्विंटाल जो टोकन पाई लोक से क्या देवे केते दिन अपेक्षा करके रही केते दिन परे ये कथा को नहीं कि धान को अटक रखि थे केते दिन पर्यंत खड़े रखु घरे रखु कौट भी रखु बाध्य करा प्रदेश चाषी को तुम अभावी बिक्री प्रस्तुत हो बाध्य करा प्रदेश चाषी को मिनिमम सपोर्ट प्राइस तुम पाखे न पहुँचु धान किणवाई 100-100% पैसा केन्द्र सरकार दौरान तुम्हें तुम कम हो पैसा को चाषी पाखे पहुँचेब धान किण जोगाण विभाग बारंबार कहि आम टार्गेट सरीगला जदि टार्गेट सरीगला तुम टोकन कौ हिसाब से देखिए टोकन देखे मंडी टार्गेट कौन पर दि जाए ना आज पर्यंत जी जो भाई भाव में विभिन्न समय अभावी बिक्री सिचुएसन राज्य सरकार जो मिलर मान मधुचंद्रिका होता आज एक ऐतिहासिक भूल कर राज्य सरकार जो भाई भाव आज प्रोक्योरमेंट करा प्रदेश चाषी क्षमा करेंगे ना ये बाबद आज विशद भाव चर्चा और आलोचना भी राज्य सरकार को जो ये भूल निष्पत्ति आज भारतीय जनता पार्टी कार्यकारिणी निश्चित भाव बंधुगण आज पंचायत राज विभाग को पूरापूरी भाव शासक दल जो विधायक माने नेता माने कब्जा कर शासक दल विधायक से कब्जा कर जो भी अलग राजनैतिक दल विधायक माने जीति हारी विजु जनता दल नेता माने कब्जा कर जो भी भारतीय जनता पार्टी जिला परिषद अच्छी से जगह कलेक्टर मैंने कब्जा कर जिला परिषद को कम कर आलोकेशन पैसा आलोकेशन होना ये हूँ दुर्भाग्यर कथा पंचायत राज विभाग गोटे ऑटोनोमस डिपार्टमेंट से जो पंचायत राज सिस्टम गोटे ऑटोनोमस सिस्टम से जिला परिषद गोटे ऑटोनोमस बॉडी पंचायत में जो ब्लॉक है ब्लॉक गोटे ऑटोनोमस बॉडी पंचायत रे जे सरपंच अच्छी से गोटे ऑटोनोमस बॉडी लोके निर्वाचित करम करने विकास करने जो केन्द्र आज व्यापक पैसा आसायत को केन्द्र पैसा आस्लक को केन्द्र पैसा आसा परिषद को आज जो भाई भाव जो 15 फिनान्स कमिशन रेकमेंडेसन अनुजाई आज दुर्भाग्यर कथा राज्य सरकार ये विकास को कौटना कौटि बंद करवाक चाहूँ तेणुक पूरापूरी भाव में सामग्रिक भाव में एक अहंकारी मदमत्त सरकार ओडिशा प्रदेश रे चली ये सरकार को मनोमुखी शासन करने को दिजिव ना या विरुद्ध राजनैतिक लड़ई हम यहीपाई भारतीय जनता पार्टी आज कार्यकारिणी एक गुरुत्वपूर्ण कार्यकारिणी एवं आज कार्यकारिणी ए बाबद पूरापूरी भाव में व्यापक चर्चा आलोचना विभिन्न दिग्वि विभिन्न बिंदु करने को यार निर्यास को लेकिन आगामी दिन एक रणनीति एवं एभलिया एक शासन व्यवस्था विरुद्ध लड़े ये जोड़िए कथा को आगे नहीं भारतीय जनता पार्टी चलो मुझुची आपण मानम आम जो आमर जो विषय बिंदु जो प्रमुखता अच्छी आज चर्चा आलोचनार ताकूार जनसाधारण पाखे आम पहुँचे पार्बूँ ए बाबत पूरापूरी भाव में प्रति गाँव में प्रति अंचल प्रति वार्ड्रे ये बाबत लड़ेर पर्याय आगामी दिन में आरंभ हम से आज भारतीय जनता पार्टी एक निर्दिष्ट खसड़ा प्रस्तुत कर आगे चलो ये मोर आपण मानक कहार धन्यवाद।